हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एमडीएम स्कूल पलायर। एज यू नो वी आर ऑन सिक्स लेसन ऑफ पब्लिक एड ऑफ इलेवेंथ क्लास। आज हम इलेवेंथ क्लास का सिक्स लेसन पढ़ेंगे पब्लिक एड का, और लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। हमने इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था संगठन क्या है, संगठन का अर्थ क्या है और संगठन की परिभाषा क्या है। अब हम इसमें पढ़ेंगे भी संगठन की आवश्यकता क्यों है और फिर इसका महत्व। अब हम क्या है इसमें संगठन की आवश्यकता तथा महत्व के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रबंधकीय कार्य कुशलता में वृद्धि। कहने का अर्थ है मतलब प्रबंध करके कार्य को, योजना बना के कार्य में कुशलता लाना यानी कार्य में वृद्धि करना। संगठन में प्रत्येक कर्मचारी का श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर कार्य तथा उत्तरदायित्व निश्चित होता है। कहने का अर्थ है जो संगठन में जो प्रत्येक कर्मचारी हैं, जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं किसी भी विभाग में, तो क्या है उनके जो कार्य है वो निश्चित होता है। विभाग कार्य को बांट दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है और कार्य एक निश्चित होता है और उस कार्य के लिए वो कर्मचारी क्या है उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक अपने कार्य को ठीक तरह से और शीघ्रता से करता है। कहने का अर्थ है जैसे भी संगठन के अंदर क्या है कर्मचारी होते हैं उनमें क्या है कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है और उस कार्य को अच्छे से और शीघ्रता से कर्मचारी पूरा करते हैं और उस कार्य के लिए कर्मचारी उत्तरदायी होते हैं। और इसके लिए क्या है प्रबंध तथा प्रशासन की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जब क्या है जब कर्मचारी उस कार्य को शीघ्रता से और जो सीमा अवधि है वो सीमा जो समय की जो सीमा अवधि निर्धारित होती है उसके अनुसार अपने कार्य को अच्छे से पूरा करता है, इसके लिए क्या है प्रशासन में जो कार्य कुशलता में क्या है वृद्धि होती है। मतलब कहने का अर्थ है प्रबंधकीय होते हैं जो कार्य का प्रबंध करते हैं, इसमें क्या है कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, कार्यों का विभाजित करते हैं, मतलब उनके लिए समय निर्धारित करते हैं और उसके लिए क्या है उस कार्य को वो पूरा करते हैं। सब क्या है पहले कार्य को प्रबंध संगठन के अंदर क्या है प्रबंध करके कार्य को पूरा किया जा सकता है और कार्य कुशलता में वृद्धि की जा सकती है। अब हमारा सेकंड है मानव साधनों का अधिकतम उपयोग। भी जो संगठन में प्रत्येक व्यक्ति है, जो संगठन में प्रत्येक व्यक्ति है कर्मचारी है जो कार्य कर रहा है उसकी योग्यता के अनुसार योग्यता एवं विशेषज्ञता के आधार पर कार्य देती है। मतलब किसके अंदर मतलब कार्य करने की कितनी योग्यता है, कितनी कैपेसिटी है, मतलब वो उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है, कब तक पूरा कर सकता है, ये सब क्या है ये जो मानव साधनों का जो अधिकतम उपयोग है ये जो संगठन के अंदर ऐसे व्यक्तियों की जो नियुक्ति करता है उसी के अनुसार संगठन में कार्यों को विभाजित किया जा सकता है, जो कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार उस कार्य को पूरा कर सके। संगठन कर्मचारी की विशेषता का पूर्ण लाभ उठाता है। मतलब जो संगठन के अंदर जो कर्मचारी कार्य करता है अपनी योग्यता के अनुसार, जिस कर्मचारी के अंदर जो योग्यता होती है संगठन क्या है उस योग्यता की जो कर्मचारी की योग्यता होती है उसका संगठन क्या है पूरा लाभ उठाता है। और अतः संगठन में मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग संभव होता है। भी संगठन के अंदर जो मानव शक्ति है उसका ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि संगठन के अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अनुभव के अनुसार क्या है कार्य को पूरा करते हैं, इसलिए इसमें क्या है संगठन को क्या है इसमें पूरा लाभ उठाता है। इसमें व्यक्ति की योग्यता का और विशेषज्ञता का क्या है संगठन पूर्ण रूप से लाभ उठाता है। हमारा तरह समन्वय स्थापित करना, मतलब क्या है समन्वय मतलब तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। जब मतलब किसी भी संगठन में जब सभी व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उसमें क्या है कार्यों का बंटवारा करते हैं
और समन्वय मतलब उनमें तालमेल बनाए रखते हैं ताकि इनमें आपस में कोई टकराव न हो, कोई मतभेद न हो। इसलिए क्या है, संगठन के अंदर क्या है, समन्वय स्थापित करना एक बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर रूपी संगठन को संचालित करने के लिए विभिन्न अंगों में पारस्परिक समन्वय स्थापित किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर कहने का अर्थ है जो शरीर रूपी संगठन को, जो हमारा शरीर है उसके जो सभी अंग को चारों रूप से जो विभिन्न अंग हैं उनमें क्या है, तालमेल स्थापित किया जाता है उनको, मतलब संचालित करने के लिए, मतलब कार्य, जब हमारा शरीर है, जब हम कोई कार्य करते हैं, जो हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं आपस में क्या है, तालमेल बना हुआ है और चारों रूप से अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार क्या है, संगठन भी एक शरीर की तरह है, उसमें जितने भी कर्मचारी हैं सभी पारस्परिक रूप से तालमेल बनाकर समन्वय कर क्या है, अपने कार्य को पूरा करते हैं ताकि उसमें कोई क्या है, टकराव न हो, मतभेद न हो। अपने जो उनके कार्य को विभाजित किया गया है उसके अनुसार ही वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रशासनिक संस्था को संचालित करने के लिए उसकी विभिन्न शाखाओं एवं इकाइयों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार शरीर के लिए सभी अंग चारों रूप से कार्य करें तो उनमें क्या है, संचालित रूप से कार्य करते हैं, उसी प्रकार भी प्रशासन के अंदर जो प्रशासन की विभिन्न शाखाएं हैं उनमें जो विभिन्न शाखाएं हैं उनमें क्या चारों रूप से कार्य करने के लिए उनमें सहयोग व क्या है, समन्वय की आवश्यकता पड़ती है ताकि क्या है, उनमें आपस में कोई टकराव न हो, अच्छे से क्या है, जिनको अधिकार दिए गए हैं, जो कार्य को विभाजित किया गया है और जो कार्य को बांटा गया है, जो उनको जिम्मेवारी दी गई है उनका क्या अच्छे से उनमें तालमेल बना रहे, सहयोग की भावना के द्वारा तालमेल बनाकर उस कार्य को पूरा करें। और समन्वय के कारण ही संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। भी अगर संगठन के अंदर समन्वय होगा तभी क्या है, जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, तभी वो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य पूरा होगा। अगर हमारे संगठन के अंदर सहयोग की भावना, तालमेल की भावना नहीं होगी तो आपस में क्या है, टकराव होगा, मतभेद होगा और जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा और जो कार्य है वो बीच में ऐसे ही टकराव के कारण बीच में ही रुक जाएगा और जो हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या है, सबसे पहले क्या है, संगठन के अंदर सहयोग की भावना और समन्वय की भावना यानी तालमेल की भावना जरूरी है, तभी क्या है वो एक सफल संगठन बन सकता है, तभी हम किसी कार्य को और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं सहयोग की भावना से, तालमेल की भावना से। इसलिए क्या है, संगठन के अंदर समन्वय स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रबंधकों की अक्षमता का विकास। प्रत्येक संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य, कार्य कुशल, चरित्रवान, ईमानदार एवं मनोबल से युक्त कर्मचारी पर निर्भर करता है। जो प्रबंधक होता है मतलब जो संगठन का, उसके लिए क्या है, जो योग्य, सकुशल, ईमानदार और योग्यवान अपने मनोबल पर क्या है कार्यों को पूरा कर सके, बुद्धिमान, उन सब की क्या है उन्हीं ही कर्मचारियों पर क्या उन कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और संगठन उन्हीं ही कर्मचारियों पर निर्भर करता है। इसलिए संगठन के अंदर क्या है, मतलब संगठन के अंदर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग्य, कार्य कुशल, मतलब उसका जो कर्मचारी है उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए ताकि अपने मनोबल, ईमानदार एवं मनोबल से कर्मचारी पर निर्भर करता क्या लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है वो कर्मचारियों का जो मनोबल है, जो उनकी ईमानदारी है और जो उनकी योग्यता है उस पर ही क्या है संगठन का लक्ष्य निर्भर करता है। इसलिए एक प्रभावपूर्ण संगठन अपने प्रबंधकों एवं उच्च पदाधिकारियों की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की
व्यवस्था करता है। जो संगठन है एक प्रभावशाली के लिए क्या है, प्रशिक्षण, मतलब उनको जो प्रशिक्षण देना सिखाना भी कैसे हमें जो हमारा लक्ष्य है, कैसे हमें इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, हमें इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे योजना बनानी है और कैसे हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और इसलिए क्या है, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी अक्षमता में वृद्धि के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। कौन? उच्च अधिकारी, मतलब किसको? लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। और इसलिए हमें क्या है, इसमें जो प्रबंध है उनकी अक्षमता का विकास होता है। आज हम यहीं तक करेंगे। हमने किया है संगठन की आवश्यकता और तथा महत्व, और जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न व राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।